स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के बारे में। जो वॉर्म होता है और जो वॉर्म व्हील होता है, इसके थ्रू हम लोड को कैसे लिफ्ट करते हैं। तो हम लिफ्टिंग मशीन का एक एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं। तो वॉर्म और वॉर्म व्हील की हम मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉर्म और वॉर्म व्हील होता क्या है। तो वॉर्म क्या होता है, इस तरह के आपके पास एक सिलेंड्रिकल जिसके ऊपर स्केयर थ्रेड कटे होते हैं। तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसके ऊपर ये इस तरह के जो स्केयर थ्रेड कटे होते हैं, तो स्केयर थ्रेड स्क्रू भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका होता है वॉर्म, तो आप इसको बोलते हैं वॉर्म। इसी तरह से एक इस तरह का व्हील होता है, जिस तरह का आपका गियर होता है उसी तरह का एक ये व्हील होता है जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं, तो आप इसको टूथ्ड व्हील बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वॉर्म व्हील। तो वॉर्म क्या है, एक सिलेंड्रिकल इस तरह का, उसके ऊपर स्केयर जो थ्रेड कटे हुए हैं तो उसको हमने वॉर्म बोल दिया। और जिसके ऊपर इस तरह से ये टीथ कटे हुए हैं जो एक इस तरह से है, तो जैसा गियर होता है हमारा तो इस तरह से है और उसके ऊपर टीथ कटे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉर्म व्हील। अब क्या है, अब इसके अंदर देखिए हमने क्या क्या किया है। इसके अंदर यहाँ पे ये लगाया गया है बियरिंग, ताकि ये जो वॉर्म है ये आसानी से और स्मूथली रोटेट कर सके। तो यहाँ पे बियरिंग की सपोर्ट दी गई है इस वॉर्म को, और साइड में इसके यहाँ पे एक ड्रम लगाया गया है। तो जो ये इसका एक्सिस है, अगर आप देखेंगे इसका एक्सिस है और जो इसका एक्सिस है, तो देखेंगे बिल्कुल ये क्या है, एक दूसरे के जो राइट एंगल पे हैं। तो ये और ये दोनों क्या हैं, देर एक्सिस जो हैं राइट एंगल पे हैं, अगर हम वॉर्म और वॉर्म व्हील का देखें। तो जब हमने कनेक्ट किया है इनको, तो इस तरह से किया है। अब यहाँ पे एक ड्रम लगाया है, यहाँ पे हमने एक इसके ऊपर यहाँ पे रोप लगाई है। तो इस रोप को हम खींचेंगे, तो यहाँ से हम एफर्ट अप्लाई करेंगे पी और इसको खींचेंगे, जिससे कि हमारा वॉर्म जो है रोटेट करेगा। अब वॉर्म के साथ कनेक्ट क्या है, हमारा वॉर्म व्हील कनेक्ट है। तो वॉर्म व्हील जो कनेक्ट है, जब ये रोटेट करेगा तो ये भी वॉर्म व्हील भी रोटेट करेगा। अब जो ये वॉर्म है ये हमारा सिंगल थ्रेडेड है, यानी कि अगर हम इसको एक रोटेशन देंगे तो ये एक टीथ आगे चलेगा जो कि वॉर्म व्हील है। जो रेडियस है इसकी, यहाँ पे ये जो जिस ड्रम से ये लोड लटकाया है जो कि हमें लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, तो ये जो रेडियस है इसकी आर ले लीजिए। तो कंप्लीट रोटेशन क्या होगी इसकी, 2 पाई आर। तो इसकी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है एल। अब जब हम रोप को खींचेंगे तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, ये कंप्लीट रोटेशन लेगा। तो जो एफर्ट जब हम अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट वो कितना होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय पी, तो ये कितना होगा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पी कितना होगा, वो होगा 2 पाई इंटू एल, क्योंकि ये एल है और ये पूरा रोटेशन लेगा 2 पाई, तो 2 पाई इंटू एल। तो इस तरह से आप डिस्टेंस मूव्ड बाय द जो एफर्ट है वो आप निकाल लेंगे। ये क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। इसी तरह से आप डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड निकालेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट यानी कि पी, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, डब्ल्यू। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ये होता है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट आप निकाल चुके हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड आप निकालेंगे। अब देखिए, जैसे एक रोटेशन ली, इसका जो है एक टीथ आगे जाएगा, तो एक टीथ आगे जाएगा, मान लीजिए जो इसके टीथ हैं वो कितने हैं, वॉर्म व्हील के ऊपर टी हैं, जो इसके ऊपर जो टीथ काटे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं, तो टी मान लीजिए उसको। तो जब एक पुश इसको मिलेगा तो एक टीथ आगे जाएगा, तो एक टीथ आगे जाएगा, तो जो ये लोड ड्रम है ये कितना लोड को लिफ्ट करेगा, तो ये कितना लोड को लिफ्ट करेगा, 1 बाय टी रेवोल्यूशन। तो 1 बाय टी रेवोल्यूशन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीथ टी हैं, एक टीथ आगे गया, तो 1 बाय टी रेवोल्यूशन जो है ये लोड को लिफ्ट करेगा। अगर हम डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड निकालें पूरा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय जो लोड है, डब्ल्यू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये हमारा होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये इसकी रेडियस आर है, तो 2 पाई ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, 2 पाई आर इंटू जो है 1 बाय टी होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर डिवाइड बाय टी हो जाएगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय डब्ल्यू कितना आ गया, 2 पाई आर बाय टी, और डिस्टेंस मूव बाय जो एफर्ट है पी वो आ गया 2 पाई एल। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यू, ये क्या है 2 पाई एल और ये क्या है 2 पाई आर बाय टी है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल इंटू टी बाई आर। तो वेलोसिटी रेशियो आपके पास क्या आ गई, एल इंटू टी बाई आर।
अगर आप फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शन को आप नहीं लेते, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी रेशो किसके बराबर हो जाती है, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज भी आ जाएगी एल टी बाई आर, अगर आप फ्रिक्शन को करते हैं नेगलेक्ट, अगर फ्रिक्शन को आप नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन को तो लेना ही पड़ेगा, तो उससे लॉस ऑफ जो एनर्जी होती है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है W बाई पी, ये हम पहले देख चुके हैं लिफ्टिंग मशीन के जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, लोड बाय जो एफर्ट अप्लाइड है, और एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशो। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रेशो आपकी ये आ चुकी है, ये आ चुकी है, तो जब आप पुट करेंगे तो एफिशिएंसी भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के लिए। अब इसके अंदर देखिए, हमने जो ये हमने थ्रेडेड स्क्रू लिया था, ये सिंगल थ्रेडेड लिया था, अगर हम डबल थ्रेडेड ये स्क्रू ले लेते हैं तो यहाँ 1/T था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/T आ जाएगा अगर ये डबल थ्रेडेड होगा। तो इस तरह से वॉर्म और वॉर्म व्हील को आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।